हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29th ऑफ सितंबर से लेके 5th ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Five of Air, Ten of Air, The Emperor, Transformation, Eight of Water, and Page of Earth. Okay. तो Libra, Five of Air के साथ लगता है आपके लिए इस रिलेशनशिप में बने रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये पर्सन शायद आपको हर बार एक नई परीक्षा के सामने खड़ा कर देता है, एक नया चैलेंज आपके सामने रख देता है। आप लगातार इस तरह की सिचुएशन से डील करते करते मुझे थके हुए से नजर आ रहे हैं। टेन ऑफ एयर के साथ हो सकता है कि इस वक्त आपको मन करे कि सबसे कहीं दूर चले जाएं और कुछ वक्त अकेले में रहें ताकि अपने ऊपर ध्यान दे सके। टेन ऑफ एयर के साथ हो सकता है ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहा। आप जितना इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये पर्सन और ज़िद्दी होता जा रहा है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है अगला। तो इसका मतलब है ये पर्सन बहुत स्टबर्न हो सकता है अपने आइडियाज़ को लेके, अपने डिमांड्स को लेके और कुछ ऐसी चीज़ों को लेके जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद बिल्कुल भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहता। इसमें सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, इन्हें ये जो एडवाइसेस है ये इनके परिवार से ही मिल रही है और इसके चलते आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब चाहे आप दोनों मैरिड हों या अनमैरिड हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर्सन ने शायद आपको एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि अब आप आगे करें तो क्या करें। फाइव ऑफ एयर देख रहे हैं ये पर्सन कितने रिस्क में है, और इस पर्सन ने खुद को इतने रिस्क में डाला क्यों? दूसरों को एंटरटेन करने के लिए। तो शायद आपका ये जो बिहेवियर था अभी तक कि आप अपने बिलावट को खुश रखेंगे, अपने लवर के लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपको करना चाहिए। वैसे भी लिब्रा, जब आप लव में होते हैं तो बस आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें शायद इस पर्सन ने टेक इन फॉर ग्रांटेड ले ली। इस पर्सन को लगा कि चूंकि आप एक बार कमिटमेंट उन्हें दे चुके हैं तो अब आप उनके ही रहेंगे, कुछ और सोचेंगे नहीं। इनफैक्ट थ्री ऑफ एयर के साथ ये सिर्फ इस पर्सन तक की बात नहीं है लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कई बार अपने दायरों से बाहर जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को और इनके आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए। ओके, ये चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं लिब्रा होते हुए, जो अपने लिए स्टैंड करना जानते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, फिर भी आपने उनके लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए। इसके लिए कितना ज़्यादा प्यार चाहिए मन में, या इसके लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ लिब्रा, शायद टैरो आपसे कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप डेप्थ में देखें, बिकॉज डेप्थ में ही सच्चाई छुपी है। सरफेस पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है, और डेप्थ में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं। ओके, एट ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। तो एट ऑफ वाटर के साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या इससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि एट ऑफ कप की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब हम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, एंड उस समय कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हमारा पेशेंस जवाब देने लगता है और हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, अब हम इसे और कंटिन्यू नहीं कर सकते।
तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, एक पल को तो आपको लगेगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, अब आप और नहीं सह सकते, और दूसरी तरफ आपको लगेगा कि कितने क्लोज आ चुके हैं आप, क्या गिव अप करने का कोई मतलब है, क्या गिव अप करने के कोई मायने हैं? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं आप इस वीक में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेंजर ऑफ वाटर, सेवन ऑफ वाटर, द हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वाटर। ओके, सो आपका बड़ा दिल आपको परेशानी में डाल रहा है लिब्रा। लगता है जैसे कि आप इस पर्सन की गलतियों को अनदेखा करते रहे, यही सोचिए कि एक दिन तो ये पर्सन बदल ही जाएगा और आपके प्यार को समझेगा, उसे रेसिप्रोकेट करेगा। और फिर मैं यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर भी देख रही हूँ, तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज और डिफरेंसेस हैं भी, तो भी लगता है कि इस वीक में ये पर्सन आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट ज़रूर करने वाला है, आपको अप्रोच करेगा और यू नो चीज़ों को फिर से नॉर्मल करना चाहेगा। हालांकि मैं यहाँ कोई अपोलॉजी आते हुए तो नहीं देख रही हूँ, बट फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से चाहेगा कि वो एक कन्वर्जेशन स्टार्ट करे आपके साथ लिब्रा। ओके, इन्हें भी इस बात का थोड़ा तो आइडिया है कि अगर आप अपने जिद पे आ गए तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आपको मना कर भी इस रिलेशनशिप में नहीं रख पाएंगे। तो इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, आपका मन बदले, ये पर्सन चाहता है कि ये आपको कुछ समझाएं। सेवन ऑफ वाटर का भी कार्ड है यहाँ पे, तो सेवन ऑफ वाटर के साथ लिब्रा ऐसा लगता है कि बहुत सारे इल्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत सारा सच सामने आने वाला है, वो सच जो शायद अभी तक आपने इग्नोर किया था। ओके, इल्यूजन्स के टूटने का मतलब है कि सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा और फिर आप अपने सबकॉन्शियस के थ्रू सब कुछ देख पाएंगे, अपनी रियल आई के थ्रू। मतलब आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करने वाला है इस सिचुएशन में, तो अपने सबकॉन्शियस को सुनिए, बिकॉज इस वक्त वही ज़रूरी है। ये सारे भ्रम सिर्फ आपको परेशान करेंगे। ओके, हमारे पास है एस ऑफ वाटर। इस एस ऑफ वाटर के कार्ड के साथ लगता है जैसे लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके, इनफैक्ट आपको लगेगा कि आपको वो पर्सन तो मिल गया जिसे आप चाहते थे, या यूँ कहें कि आप चाहे तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। बट कंटिन्यू भी किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते भी हैं तो उसमें कितने सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है आपके लिए इस वीक में। और आपको लगेगा कि लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है। ओके, जब आपको वो पर्सन मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो फिर उन्हें खुल के प्यार करने की सिचुएशन क्यों नहीं है, ऐसा माहौल क्यों नहीं है, ऐसे हालात क्यों नहीं है आप दोनों के बीच, जब सारे डाउट्स खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच अगर कुछ बचे तो सिर्फ प्यार और एक डीप कनेक्शन। इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है कि यूनिवर्स आपके साथ अनफेयर कर रहा है, बट दरअसल ये एक तरीके का सच है जो सामने आ रहा है, इससे पहले कि आप कोई इम्पोर्टेंट फैसला लें। ओके लिब्रा, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो लिब्रा, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए और जो सही आपको लगे वो करते जाइए, क्योंकि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है, तो किसी बात को लेके परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.